सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के गौरा पंचायत के बिरहिया गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन का आयोजन गुरुवार को कथावाचक पंडित रूपेश झा की उपस्थिति में समापन हुआ। बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। कथा सुनने के लिए आसपास के कई गांवों की महिलाओं के साथ साथ पुरुष श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी थी। भजन कीर्तन कर श्रद्धालुओं ने खूब आनंद लिया और भगवान की भक्ति में श्रद्धालु झूमते नजर आए। इस बीच पंडित रूपेश झा ने कहा कि सृष्टि में जितने भी भौतिक संसाधन हैं, वे केवल मनुष्य की व्यवस्था है जो सुख नहीं दे सकती, क्योंकि धन से मनुष्य भौतिक सुख प्राप्त कर सकता है किंतु सत्य विचार नहीं। उन्होंने कहा कि हृदय से किया गया प्रभु स्मरण मनुष्य के मोक्ष के द्वार खोलने का काम करता है, इसलिए अपने मन को काबू में रखते हुए अपने हृदय को प्रभु के चरणों में समर्पित रखिए। वहीं गौरा पंचायत मुखिया प्रत्याशी रेणु देवी ने कहा कि भगवती कथा सुनने मनुष्य को शांति मिलती है और जीवन जीने का सही तरीका प्रदान होता है। कथा सुनने वाले और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले मनुष्य कभी भी असफल नहीं होते। उन्होंने कहा हर मनुष्य को भागवत गीता अवश्य सुननी चाहिए, तभी उनका धर्म के प्रति लगाव बना रहेगा और उनके हृदय में दूसरों के लिए प्यार और स्नेह बना रहेगा। बीडी न्यूज बिहार के लिए सीतामढ़ी से शंभू कुमार की रिपोर्ट। गिराने वाले तो कोई और है, अर्जुन थोड़ी लड़ा है, अर्जुन के पीछे लड़ने वाला कोई और है। अनेक प्रकार का तर्क वितर्क भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश देते हैं, समझाते हैं और कृष्ण को समक्ष जब पाए हैं तब पितामह शरीर छोड़ने का बिल्कुल एक तक पीला पीताम्बरधारी नारायण अपने पत्नी को नहीं पहचाने, पैर पीछे किए। ये आपके सामने महल है, घर सब आपका है महाराज। अब सुदामा जी बड़ा आश्चर्य हुआ और सुदामा जी की आंख से जो आंसू निकला ऐसे ही देते कहा है ना, बिन मांगे मोती मिले।